नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा एक चैप्टर किया था 10 चींटी और चिड़िया, राइट, जो हमने हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लिया था। राइट नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 र के रूप करेंगे। तो ये एक हमारे एक ग्रामर का एक व्याकरण का एक छोटा सा भाग है, राइट। तो हम इसका मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया है, टीटीडी थ्रू वीडियो हम लोग देखेंगे और फिर हम सीखेंगे कि र के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार के र के रूप होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसे लिखते हैं, किस प्रकार किसको पदिन र, किसे रेफ र, वो सब कहते हैं, वो सब हम लोग वीडियो में देखेंगे, राइट। तो चैप्टर नंबर 11 र के रूप, उसका जो पेज नंबर 71 है हमारी पाठमाला में, पेज नंबर 71 है, वो चार पॉइंट्स में है, तो उसका एक वीडियो दिखेंगे। और फिर 72 पेज जो है हमारा वर्षा ऋतु, वो लेसन हम लोग सिर्फ एक बार रीड करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा वीडियो जिसमें मैंने ये सारा आप लोगों को समझाया है, राइट। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। हिंदी स्टैंडर्ड 2। नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे र के विभिन्न रूप। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है र के रूप। र के रूप में हम लोगों ने देखते हैं कि इसमें चार प्रकार के हमें रूप दिए गए हैं। तो ये चारों के चारों आज हम लोग सीखेंगे कि र के रूप क्या है, र कैसे होता है, किन शब्दों में र का यूज कैसे होता है, वो आज हम सब लोग देखेंगे। चैप्टर 11 र के रूप, राइट। नाउ फर्स्ट, सबसे पहला हम लोग देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट वाला, राइट। फर्स्ट वाला क्या है हमारा कि नीचे लिखे शब्द को पढ़ो, इनमें र चार तरीके से लिखा गया है, आओ पढ़े। तो सबसे पहले र, रबड़, आचार, नहर, रस, कमर, घर और चार, राइट। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि र के रूप। तो र के रूप, र हमें चार रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहले जो सिंपल र होता है वो एक इस प्रकार से साइड में लाइन की जाती है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, राइट। इस चारों प्रकार से हम लोग र के रूप को देखते हैं, डन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं र, जो सिंपल र है हमारा, शब्दों में र की स्थिति, जो सिंपल हमारा फर्स्ट वाला जो र है वो, कि र किस किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, जैसे कि रस, रति, रात, शब्द के आरंभ में र का प्रयोग होता है। सिंपल सिंपल र कभी भी कहीं भी यूज होता है। भरना, डरना, करना, शब्द के मध्य में र का प्रयोग। मोर, नहर, तीर, शब्द के अंत में र का प्रयोग। यानी कि यहाँ पर ये जो र है वो इन चारों रूपों में, इन तीनों रूपों में यूज़ कहते हैं कर सकते हैं हम लोग, आरंभ में यानी कि शुरुआत में, मध्य में यानी कि बीच में, और अंत में यानी कि लास्ट में, राइट। हम सभी तरीके से र के उपयोग, र का सिंपल र, ये पूरा र है, व्यंजन स्वर सहित ये पूरा र है, राइट। अगर आधा र होता तो इसके नीचे ऐसा हलन किया होता, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा र है, तो पूरा र है वो कहीं भी यूज हो सकता है, डन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि र के रूप, यदि र खुद पूरा है और उससे पहले यदि कोई वर्ण है और वह वर्ण भी पूरा हो, जैसे कि रमेश, नरोत्तम, कमरा, बरसात, तो ये सारे कैसे है र के रूप ही है, एक प्रकार का र है जिसका यूज़ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शब्द में या नाम में यूज़ करते हैं, डन। अभी हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले देखो, अभी हमने फर्स्ट लाइन की, अभी हम लोग फर्स्ट लाइन हमने की, राइट। अभी हम करेंगे सेकंड लाइन, रेफ वाली, राइट। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता होगा कि वर्षा, पार्क, सूर्य, कर्म, बर्फ, सर्प, मार्ग, तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर सब में मैंने कैसे उपयोग करती थी। तो यहाँ पर हम इस र के रूप में हम लोग ये वाला देखेंगे, फोर्थ वाला, कौन सा फोर्थ वाला, और वो कैसा है, आधा र है, कैसा है, आधा र, राइट। तो अभी हम लोग वो करते हैं, डन। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या, ये स्वर रहित है। स्वर रहित यानी कि क्या,
देखो मैंने आगे कहा कि ये र पूरा है, इसमें स्वर है, अगर इसके नीचे हलन किया है तो ये स्वर रहित है, यानी कि इसके अंदर स्वर अ नहीं है, राइट। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा जो ऊपर हम करते हैं उसको रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। दैट मीन्स कि धर्म, राइट, धर्म। देखो र हमने यहाँ बोला तो ये उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर हम लोग लिखेंगे और र लिखेंगे नहीं, राइट। धर्म, कर्म, तो उसमें देखो क के बाद र दिखा है हमें, बट हम र लिखेंगे किसके ऊपर? म के ऊपर। किसके ऊपर लिखेंगे? म के ऊपर। कर्म, र हमने बोला था यहाँ पर बीच में, डन। देखो तो ये क्या है, वापस इस बार डिफिनेशन देखे, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण, आगे यानी कि ये जो आगे का है ना म, उसके ऊपर लग जाता है, डन। अभी देखते हैं, देखो जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य क्या दिया है हमें, सूर्य, सू तो ऑलरेडी है ही सिंपल, और रिय, रिय, तो हम क्या करेंगे, य के ऊपर रेफ कर देंगे, सूर्य, है ना। वैसे ही वर्षा, तो व तो सिंपल है ही पूरा, फिर र आधा और श, शा, तो हम क्या करेंगे, र नहीं लिखेंगे बट क्या करेंगे, स के ऊपर रेफ कर देंगे। क्या कर देंगे? रेफ। ये रेफ वाला है, क्या है? रेफ वाला, डन। सूर्य, वर्षा, सर्प, कार्य, देखो इन सब में हम लोग किसका उच्चारण करते हैं? र का। किसका उच्चारण? र का। तो रफ, र हमने कहाँ पर यूज किया? ऊपर रेफ करके, क्योंकि ये र कैसा है? आधार, आधार यानी कि स्वर रहित, जिसके अंदर स्वर नहीं है, डन। अभी हम देखो उसके थोड़े से शब्द देखते हैं, यदि र खुद आधा हो तो उसका रूप बदल जाएगा, तब वह बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठेगा, राइट। जैसे कि हमने आगे देखा कर्म, तो कहाँ लगा? म के ऊपर, दूसरे आगे वाले वर्णों के ऊपर ये रेफ लग जाएगा, राइट। कर्म, मर्त्य, अर्जित, वर्णिक, दीर्घ, औदार्य, वत्स्र, वत्सर्य। देखो हार्ड वर्ड्स है थोड़े से, बट आप लोगों को ये नहीं समझना कि ये वर्ड क्या है, बट हमें ये समझना है कि ये वर्ड है जो स्वर रहित है, तो ये र का जो है रेफ, वो रेफ कहाँ पर लगेगा? आगे वाले वर्ण पर, राइट। वो हमें खास सीखना है। फिर हम देखो ऑलरेडी हमने ये कर लिया, सिंपल र, रेफ वाला र, और अब हम करेंगे ये वाला र, प्रणाम, ग्राम, ब्रश, क्रम, ग्रह, समुद्र, भ्रमण, राइट। तो सुना आप सभी ने कि मैंने सब के अंदर कौन सा शब्द बोला? र, बल्कि इसी के इस वर्ड में कहीं भी र है नहीं, बट हमने र का उच्चारण किया है ना। तो अभी हम वो हमारा थर्ड वाला टॉपिक देखते हैं। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग हमारा ये जो र है उसका ये वाला रूप देखेंगे। ये हमने डन कर लिया है, राइट। नाउ अभी इसकी बारी है कि स्वर सहित है, ये कैसा है? स्वर के सहित, इसके साथ ऑलरेडी अ स्वर छुपा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने पूरा र लिखा है, डन। देखो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर सहित रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और उसके इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण उसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदेन। क्या कहा जाता है? पदेन, क्योंकि ये कहाँ पर लगता है? यहाँ पर पैरों में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पदेन वाला। कैसा? पदेन वाला र। तो देखो और ये कैसे लगा? क्रम। कैसे? क्र म, राइट, क्रम। तो यहाँ पर क्रम, फिर ग्र, क्या कहलाएंगे? ग्र, फिर म्र, है ना, फिर ब्र,
ब्रश, तो ब्र, तो वैसे हम लोग ये जो पैर में लगता है तो उसको क्या कहते हैं, पदेन्द्र, क्या कहते हैं, पदेन्द्र, राइट। फिर हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, देखो इसके दो पार्ट्स हैं, राइट, इसके दो प्रकार के नियम हो सकते हैं। एक तो इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, फर्स्ट है कि पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है, जैसे कि ऐसे साइड में एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। पाई से तात्पर्य है खड़ी लाइन, खड़ी लाइन जो हम लगाते हैं वो, जब ऐसी खड़ी लाइन वाले आधे व्यंजन के साथ र जुड़ता है तो वह कैसे कह हो जाती है, ऐसे, राइट। इस प्रकार तिरछी रेखा के रूप में, तिरछी रेखा के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे कि ग्र, प्र, राइट। जो खड़ी लाइन हमारी होती है ये खड़ी पाई, उसी पाई के साथ जब र जुड़ता है तो वो इस तरीके से बन जाता है, डन। तो ये एक रूप उसका है। और दूसरा रूप ये कि यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है, जैसे कि प्राचार्या, फिर हर्षिता, है ना, प्राचार्या, हर्षिता। अभी देखो हम जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे आप लोगों को क्लियर होगा, जैसे कि पदेन र का प्रयोग, अब हम उसका प्रयोग देखते हैं कि करम, अगर हम उसको अलग करेंगे तो देखो क कैसा है, आधा, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, बट हम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये वाला राइट है और ये वाला रोंग है, राइट। क्रम, फिर ग र, हम ऐसा नहीं लिखेंगे ग र और ह, बट हम क्या लिखेंगे, ग्रह, क्या लिखेंगे, ग्रह। फिर है प्रगति, व्रत, प्रथम, अग्रज, ट्रक और ड्रम, ये थोड़े अलग हो गए है ना, उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे, डन। तो ये था पदेन्द्र, क्या था, पदेन्द्र। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, अभी हमने ऑलरेडी एक दो और ये तीन कर लिया, अभी हम ये चौथा करेंगे, राइट। तो चौथा क्या है, यस, चौथा है ये वाला, और ये है, ये भी पूरा र है, कैसा र है, पूरा र, राइट। अभी हम लोग वो देखते हैं, तो ये तो एकदम इजी है, खास कर ये ट और ड में ही लगता है, खासकर जहाँ पर जिन शब्दों में ट और ड आता है और साथ ही इसके साथ र आता है तब इस प्रकार का चिन्ह किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ट्र और ड्र, राइट। तो ये कैसे बनेगा, देखो राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, कहते हैं ना ड्रामा, तो ऐसे ट और ड, खासकर ट और ड, इन दोनों में ही ऐसा र का रूप लगता है, राइट। अभी देखो छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन र उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है, जैसे कि अभी आगे हमने किया उल्टे वी के आकार में, देखो कैसे ट लिखेंगे हम लोग और फिर उसके नीचे उल्टा वी कैसा होगा, ऐसे करेंगे ट्र, फिर ड लिखेंगे और उसके नीचे उल्टा वी कैसा होगा, ऐसे ड्र, राइट। खासकर ये कब लगता है, खासकर जब ट और ड होता है तभी ऐसे इस तरीके से चिन्ह लगता है, डन। देखो अभी इसकी बात करें तो ये भी अगर र से पहले ट और ड है और आधे है तो उनके नीचे र उल्टे वी के रूप में लगाया रूप में आएगा, जैसे कि ट्र और ड्र, पदेन र का प्रयोग, ये भी क्या कहलाएगा, पदेन र का ही, राइट। जैसे कि हमने वो देखा था क्र, राइट, क्र, क्र हमने किया था ना, इसको हम कहते हैं क्र, फिर ग्र, राइट। तो ये कैसा था, नीचे लगता था तो पदेन लिखते थे, राइट। तो ये भी है ना, वो नीचे ही लगता है तो उसको भी हम लोग पदेन ही कहेंगे, बट ये ऐसा चिन्ह कब लगेगा, जब ट या ड हो तभी, राइट। ये याद आपको लोगों को रखना है, डन। जैसे कि देखो राष्ट्र, राष्ट्र, ट्र, ट्र, है ना, तो बना राष्ट्र, डन। नाउ देखो अभी उसके थोड़े से शब्द चित्रों के नाम लिखो, रखे और दो रूप देखो। अभी देखो हम उसके ट
ट्रक, यहाँ पर हमें दिखा था ट और र, क्या बनेगा ट्रक, राइट। फिर यहाँ पर ड्रम, ड और र, ड्रम। फिर यहाँ ट्र और र, ट्रंक, राइट। ट्रंक पेटी आती है ना, उसको ट्रंक कहते हैं, राइट। तो ये एक र का ही रूप है, बट किसके साथ लगता है, ट और ड के साथ ही, राइट। नाउ ये भी क्या है, पदेन रेफ वाला, राइट। कर्म, क्रम, ये आधा क है और ये आधा र है, राइट। ये रेफ वाला है और ये यहाँ पर पदेन वाला है, डन। फिर हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण बातें क्या है, कि र द में तीर्थी रेखा के रूप में जुड़ता है तो वो ऐसे लगता है, राइट। द्र जैसा लगेगा, अगर र का रूप है ना तो वो ऐसे लगेगा। अभी ह के साथ र की स्थिति इस प्रकार होती है, जैसे कि ह और र को ज्वाइन करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा। फिर त तथा श के साथ र की स्थिति इस प्रकार होती है, जैसे कि त प्लस र करेंगे तो त्र होगा, स प्लस र करेंगे तो स्र होगा, राइट। हमने संयुक्त व्यंजन में देखा था ना, त्र शब्द है तो उसको हम अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, त प्लस र प्लस अ लिखेंगे, राइट। तो ये भी एक र का ही रूप है, राइट। तो त और स में इस तरीके से होगा, डन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बातें थी, डन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, कि र जो है उसमें कृति, गृह, पृथ्वी, आप सब इन सब में भी आप लोगों देखते हैं र का ही हमने उच्चारण करते हैं, कृति, गृह, पृथ्वी, सब में र लगा। में दिखने वाली री वास्तव में रू स्वर की मात्रा है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में थे तब देखा था कि रू की जो मात्रा होती है उसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसे है, राइट। तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, रू स्वर की मात्रा है, क्या है, रू स्वर की, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं कि हमने सारे चारों के चारों हमारे र के रूप देख लिए। सबसे पहला र पूरा है, र पूरा, तो र से पहले वाला वर्ण भी पूरा है, जैसे कारण, बंजर, सरल। फिर र पूरा है किंतु उसके पहले वाला वर्ण आधा है, तो हम लोग ग्रह, प्रकाश, व्यग्र, प्रश्न। फिर र पूरा है किंतु उसके पहले वाला वर्ण आधा है, यह नीचे से गोलाई लिए हुए वर्णों के नीचे लगा गया, जैसे कि राष्ट्रीय, ट्रक, ड्रम। फिर र रेफ वाला, तर्क, वर्ष, अपूर्व, वत्सर्य, राइट। ये र रेफ वाले की बात थी, राइट। तो ये थे हमारे नियम। फिर हमारा चैप्टर है वर्षा ऋतु, क्या है, वर्षा ऋतु। अभी हम लोग सिर्फ एक बार ये रीड करते हैं, समझेंगे हम लोग बाद में, कब समझेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग ये ना सिर्फ एक बार रीड करते हैं, फिर समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में, राइट, नेक्स्ट सेशन में। वर्षा ऋतु हमारा लेसन है, काले बादल करते शोर, वन में नाचा सुंदर मोर, देखो वर्षा की ऋतु आई, जमजम करके बारिश लाई, बारिश का मौसम मन को भाया, गर्मी ने था खूब सताया, भर गया पानी चारों ओर, बच्चों ने मचाया शोर, सुनकर कहती नानी, तुम सब ना करो मनमानी, माने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, सभी बच्चों ने जमकर खाए, राजू ने एक नाव बनाई, बहती धार में उसे बहाई, रिमझिम बारिश लगती प्यारी, यह ऋतु है मन को भाती, राइट। ये हमारा चैप्टर था, राइट। तो उसके शब्दों के अर्थ थे ऋतु यानी कि मौसम, भाया यानी कि अच्छा लगा, सताया यानी कि परेशान किया, और शोर यानी कि हल्ला मचाना, और मनमानी यानी कि अपनी इच्छा से काम करना, राइट। तो ये थे हमारे शब्दों के अर्थ जो हमें CW बुक में लिखने है, डन। तो ये हमारा काव्य है, वो अभी हमने सिर्फ रीड किया है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पूरा काव्य है वो हम लोग समझेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट वीडियो आपने, राइट। नाउ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया कि र के रूप कितने प्रकार के होंगे। हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, क्र, प्र, देखा होगा आपने हमारी बुक्स में कई बार हम लोगों ने ऐसा क्र, फिर धर्म, राइट, ध,
धर्म, तो यहाँ पर हम लोग र का उच्चारण करते हैं, यस राइट। तो हमें ये जो पदेंद्र, ये रेख वाला र, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार मैंने आप लोगों को र के रूप समझाया कि र कैसे होते हैं, उनके चार रूप, एक सिंपल वाला र जो हम ऑलरेडी घर र जैसे र के हम लोग सिंपल यूज करते हैं, फिर स्वर सहित या स्वर रहित, इसमें स्वर रहित है राइट, तो इसमें स्वर नहीं है, जिसमें स्वर नहीं होता है वो कैसा होता है, आधा हलन वाला राइट, वो सब कुछ हमने हमारा वीडियो में देखा राइट। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि मैंने बुक में आप लोगों को होमवर्क में ये सारे जो नियम्स है वो हमारे जो ये पेज है वो हम मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है राइट। तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम हमारा चैप्टर वर्षा ऋतु वो एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हमारी अभ्यास है वो भी कंप्लीट करेंगे पाठमाला का राइट। नाउ स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।